अंकुर जी बोलिए हेलो जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जल्दी, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं आज। मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? अगर आप कैमरा बंद कर दोगे ना, आपकी आवाज थोड़ी अटक रही है इस वजह से। हाँ, अब ओके शायद बेहतर हो। जी, आज आपने वुमेन की, हमारी हॉकी टीम जो है उसमें सेमीफाइनल में पहुंच गई 40 साल बाद, मेंस और वुमेन की ओलंपिक में। अच्छा, और ये कंग्रेचुलेशन। एक तो आज मेरा बर्थडे भी था, तो काफ़ी खुशी हुई, काफ़ी लोग इमोशनल भी हो गए हैं जब पहुंचे थे हम लोग। और ये जो बात थी कि बकरे की बलि वाली जो बात थी कि हिंदुओं में जो बलि दी जाती है, तो जो बलि की प्रथा है ना, वो बकरे पे नहीं लगे कि जैसे बकरे की बलि तो देते हैं, लेकिन उसको ना जैसे खोए का बनाते हैं, फिर वो घर पे उसको ही काट देते हैं, खोए का जानवर को नहीं काटते आप। अब तो ये बहुत कम हो गया है। और दूसरी बात यह है कि मतलब जो वुमेन्स राइट्स के बाद हैं बात, तो मुझे तो ये लग रहा है कि इंडिया में हिंदू कम्युनिटी में कि 3 या 4 साल में हिंदू मर्दों को ये राइट्स देना पड़ेंगे, यहाँ पे वुमेन्स जो हैं काफी आगे ही चली गई हुई। यस एंड नो। आप मेरे ख्याल से एक सर्टेन कैटेगरी में देख रहे होंगे जहाँ पर औरतों को राइट्स है। मैंने वही कहा ना कि 80% यानी 20% औरतों को शायद मिल रहे हो राइट, या जो हाई क्लास की औरतें हैं उनको मिल रहे होंगे। मैं तो उनकी बात कर रही हूँ ना जो पढ़े लिखे नहीं है, गरीब लोग हैं। उन सोसाइटीज में आप देखें तो वहां पर अभी भी जहालत है, वहां पर अभी भी औरत को जो है घर के अंदर रखा जाता है, औरत को कम समझा जाता है। अब मैं उस छोटी उन लोगों की बात कर रही हूँ। मैं देखती हूँ यहाँ पर, मैं इंटरनेट भी देख रही हूँ, मुझे अच्छे लोग भी मिल रहे हैं, मगर मुझे इंडिविजुअल बुढ़े दिख रहे हैं जिस तरीके की बातें वो कर रहे होते हैं। भाई, तो वो आपको देख के क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि बहुत पेट्रियार्कल सोसाइटी है।